और बड़ी खबर की बात करते हैं। पठानकोट एयरबेस के पास से पकड़ा गया एक संदिग्ध, पठानकोट में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुआ है। ये सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध आतंकी हो सकते हैं सेना की वर्दी में, जिसके बाद एक संदिग्ध को पकड़ लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त पठानकोट की तस्वीरें देख पा रहे हैं, पठानकोट एयरबेस के पास से संदिग्ध को अरेस्ट कर लिया गया है। जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी, जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चल रहा था, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और इसके बाद इस संदिग्ध को अरेस्ट कर लिया गया है। क्या इसके बैग में है, क्या सामान है, इसकी पड़ताल सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार प्लस पर इस वक्त आपके सामने, पठानकोट से जहां पर एक संदिग्ध को अरेस्ट किया गया है, सेना ने अरेस्ट किया है। लगातार कॉम्बिंग चल रही थी, सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसके बाद इसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी और इससे पूछताछ अब की जाएगी इस बाबत। लेकिन जो कुछ सामान इसके पास से है, देखिए ये तस्वीरें, सेना का ऑपरेशन लगातार चल रहा था और इसी दौरान एक बड़ी कामयाबी मिली है। पठानकोट में एक संदिग्ध को दबोचा गया है, पठानकोट एयरबेस के पास ही ये लगातार टहल रहा था और अचानक ही नजर पड़ी सुरक्षा एजेंसियों की, इसके बाद इसे अरेस्ट कर लिया गया है। हथियारों से सेना के जवान चारों तरफ से घेरे हुए और उम्मीद ये भी है कि दो संदिग्ध देखे गए थे, फिलहाल एक बड़ी कामयाबी मिली है। पठानकोट एयरबेस के पास संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है और जाहिर तौर पर एक बड़ा सबूत, बड़ी कामयाबी सेना के लिए। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था और इसी बीच एक को अरेस्ट कर लिया गया है। पठानकोट एयरबेस के पास से बड़ी कामयाबी सेना के लिए। ये तस्वीरें पहली बार इस तरीके की तस्वीरें आपने देखी होंगी समाचार प्लस पर, जहां एक संदिग्ध को, क्योंकि लगातार सेना सर्च ऑपरेशन चला रही थी, सिर्फ एयरबेस के अंदर नहीं बाहर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा था और इसी दौरान इसकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध लगी और इसके बैग में क्या है ये अभी सुरक्षा एजेंसियां जांच जरूर करेंगी। लेकिन इस संदिग्ध को पकड़ा गया, कर क्या रहा था वहां पर, इस बाबत एक बड़ी कामयाबी सेना के लिए। एक संदिग्ध आतंकी को सेना ने अरेस्ट कर लिया है। सात जवान हमारे शहीद हुए, आतंकियों से लोहा लेते छह आतंकियों को बाहर गिराया, लेकिन एक और यह संदिग्ध और इसके पास में हाथ में कुछ दिखाता हुआ, लगातार गन पॉइंट पर इसे रखा जा रहा है क्योंकि कभी भी यह कोई हरकत कर सकता था, इसलिए एहतियात के तौर पर फिलहाल सेना ने इसे कब्जे में लिया है। और बड़ी गिरफ्तारी इस मायने में क्योंकि यह खबर मिल रही थी, यह इनपुट लगातार मिल रहा था कि और भी आतंकी हो सकते हैं जो एयरबेस के अंदर हो सकते हैं या बाहर, लेकिन लगातार ये वहां पर चक्कर लगा रहा था और इसके बाद ही सेना ने इसे अरेस्ट कर लिया है। सीमा पार से पठानकोट में छह दहशतगर्दों को तो सेना ने मार गिराया, लेकिन देश की सीमा के अंदर मौजूद दरिंदों, एक और जो कि आतंकवादी जिसकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही हैं, इसे अरेस्ट किया गया है और उसकी बड़ी तस्वीर ये आपके सामने। क्या इसके साथी और भी हैं ये अब जरूर साफ हो पाएगा, लेकिन सेना जैसे ही कॉम्बिंग कर रही थी, ऑपरेशन चला रही थी, इसके बाद ही इसकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध लगी और फिर सेना ने इसे अरेस्ट कर लिया है। हालांकि इसके बैक में क्या है ये सेना पड़ताल कर रही है, वहां पर कर क्या रहा था और जिस तरह का इनपुट मिला था उसके मुताबिक दो आतंकवादी संदिग्ध जो थे देखे गए, जिसके बाद ही इसे अरेस्ट कर लिया गया। पठानकोट एयरबेस के पास से बड़ी गिरफ्तारी, एक आतंकवादी की संदिग्ध है हालांकि, लेकिन पड़ताल करेगी अब सेना जरूर, एनआईए भी। रोल रोल रोल।